नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ग्रू में दोस्तों हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है रेलवे एग्जाम 2024 की जी के जी एस एंड जी टॉप 5000 मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यू फोर आर आर बी एन टी पी सी ग्रुप डी ए एल पी जूनियर इंजीनियर एंड आर पी एफ एग्जाम उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए चौथे नंबर का वीडियो लेकर आ गया हूँ ये पहले आपको पता होगा मैं तीन वीडियो सीरीज़ के, के कम्प्लीट करा चुका हूँ अगर आपने नहीं दिखे तो ऊपर आई के बटन से देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक कर रख दूँगा वहाँ से आप देख लीजिएगा जो नए बच्चे आए मैं उनको एक मिनट में समझा देता हूँ कि इस सीरीज़ के अंतर्गत हम पाँच हज़ार प्रश्न सौ वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे और हर वीडियो में आपको पचास प्रश्न मिलेंगे डेली मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा ये पचास पाँच हज़ार प्रश्न हम सौ वीडियो में कम्प्लीट कर लेंगे इस मॉक टेस्ट को देने के लिए कुछ रूल्स भी आपको पता होगा जो पुराने बच्चे हैं हम हर क्वेश्चन के लिए दस सेकेंड का वक्त देंगे दस सेकेंड में आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पूरा लिखना है साथ साथ वीडियो के आखिरी में जरूर बताना है कि आपको 50 में से कितने मार्क्स प्राप्त हुए और हर वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो आते जा रहे हैं हर वीडियो में आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे क्यों बढ़ते जाएंगे क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के बीस परसेंट क्वेश्चन हर नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा जिससे कि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा तो ये कुछ रूल्स हैं आपको बता दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और आपको पता होगा कि फरवरी और मार्च में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा रेलवे एग्जाम दो का जिसके अंतर्गत सभी एग्जाम्स कवर की जा रही है और ये सभी पाँच हजार प्रश्न उस तरह के प्रश्न हैं जिस तरह के रेलवे के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए आज का हमारा चौथे नंबर का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दें व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह शेयर जरूर कर दें साथ साथ वीडियो के आखिरी में आपको ज़रूर बताना है कि आपके नंबर कितने आए हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप एन की तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो आर की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर ए एल जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आखिरी में जरूर बताएँ और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे कौन नहीं रहे इनमें से भारत के उप प्रधानमंत्री तो तो देखिए इसका सही दोस्तों बी डी जत्ती जबकि सरदार पटेल एल के आडवाणी और चरण सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे कौन है इसके बी डी जत्ती वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है बताएंगे किस दिशा में हुआ था महाद्वीपीय विस्थापन इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी भूमध्य रेखा व पश्चिमी दिशाओं में किसमें भूमध्य रेखा व पश्चिमी में स्वचलित वाहनों में द्रवचलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है हाइड्रोलिक ब्रेक्स इसका सही दोस्तों ऑप्शन ए पास्कल के नियम जो द्रवचलित जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है तो किसको मानते हैं अपन देश का प्रथम नागरिक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति को कहा जाता है देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भारत में अंतर स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए इसका सही तरह दोस्तों ऑप्शन एक गंगा नदी का प्रयोग किया जाता है अंतरस्थली जलमार्ग के लिए किसका गंगा नदी का मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली इनमें से कौन सी है बताएंगे कौन सी है कीट भक्षी मछली ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर दोस्तों गेम्बूसिया कौन सी मछली है वो कीटभक्शी मछली गेंबूसिया जो कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपयोग होती है रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है तो रॉकेट में किस प्रकार का ईधन प्रयुक्त होता है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रणोदक किस प्रकार का ईधन प्रयुक्त होता है प्रणोदक रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है कौन सी है रूस की सबसे इंपॉर्टेंट नदी राइट आंसर है दोस्तों वोल्गा नदी जो कि रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है निम्न में किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है तो किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर गामा किरण फिलिपाइंस जापान तथा चीन सागर में जो ऊष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर टाइफून क्या कहा जाता है इन तूफानों को टाइफून भारत में सर्वप्रथम सत्रह ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था बताएंगे दोस्तों कहां पर किया गया था इसका सही जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रानीगंज कहां पे किया गया था रानीगंज में पत्ती के लाल नारंगी और पीले रंग डैश के कारण होते हैं तो किस कारण होते हैं पत्तियों के लाल नारंगी और पीले रंग इसका सही तरह दोस्तों ऑप्शन बी कैरोटीनॉइड किसके कारण होते हैं कैरोटीनॉइड के कारण रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए सुकर चकिया सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह गेहूं का निर्यातक देश नहीं बतलाना इनमें से कौन सा गेहूं का निर्यातक देश नहीं है इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए ब्रिटेन निर्यातक देश नहीं है आया है बाकी तीनों निर्यातक देश है जायर का पुराना नाम क्या था बताएंगे जायर का पुराना नाम क्या था इसका सही उत्तर तो का दोस्तों ऑप्शन ए कांगो गणराज्य जायर का पुराना नाम क्या है कांगो गणराज्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी इसका सही है शकों का उन्मूलन करने के बाद कब की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया किस बजट में इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी तिरानवे चौरानवे के केंद्रीय बजट में से पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघी परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है तो इसका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद चौहत्तर के तहत उन्हें सलाह मानना पड़ता है अनुच्छेद चौहत्तर के तहत देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितने प्रतिशत है बताइए कितने प्रतिशत है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है छह परसेंट कितने परसेंट भागीदारी है छह परसेंट तालाब सिंचाई की भागीदारी निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी तो किस आयोग ने की इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन डी सरकार आयोग ने की थी सिफारिश किसने की, की थी सरकारी आयोग निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है तो इनमें से किसके द्वारा होता है सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन डी हवाई जहाज की उड़ान भरना हवाई जहाज का उड़ान भरना जिससे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ बताएं किस राज्य में हुआ है सर्वाधिक स्थानीयकरण रेशम उद्योग का इसका सही दोस्तों ऑप्शन बी कर्नाटक कहां पर हुआ है सर्वाधिक स्थानीयकरण कर्नाटक राज्य में रेशम उद्योग का शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निष्क्रिय तत्व किस नाम से जाने जाते हैं निष्क्रिय तत्वों के नाम से जाने जाते हैं कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का एक महत्वपूर्ण अंग है बताएंगे कौन सी धातु है ट्रांजिस्टरों का एक महत्वपूर्ण अंग इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए जर्मेनियम ऑप्शन ए जर्मेनियम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड मतलब सेल की स्थापना कब की गई थी बताएंगे किस सन में की गई थी सेल की स्थापना हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उन्नीस ईस्वी में की गई थी सेल की स्थापना कब की गई थी उन्नीस ईस्वी में पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है बताएंगे दोस्तों क्या गया है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था उन्हें तांबा का शत्रु तत्व इनमें से कौन सा है तांबे का शत्रु तत्व इनमें से कौन सा है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर गंधक सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक था कौन था फिरोज शाह तुगलक निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं क्या कहा जाता है का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइबरनेशन क्या कहा जाता है इसे हाइबरनेशन पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कोलकाता विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार कम करने के लिए किया गया था पारागाह बंदरगाह का निर्माण अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है इसका सही तरंग दोस्तों ऑप्शन ए बीस हर्ट्ज से कम की जो तरंगे होती है उन्हें हम अवश्रव्य तरंगे कहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा बताएंगे कौन सा है सबसे छोटा इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है इसका राइट आंसर हो तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी मतलब केरल तमिलनाडु कर्नाटक सभी जगह आरक्षित नहीं है स्थान लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके जीवी बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं किसके बीजाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर लाइकोपोडियम के बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित बताएंगे दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है इसका राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी मतलब अनुच्छेद एक सौ बारह एक सौ छियालीस और एक सौ अड़तालीस के अंतर्गत ये सभी संबंधित है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है बताएंगे दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट इनमें से किसके अपर रूप है इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी कार्बन हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है कार्बन के अपर रूप है वर्ष दीर्घतम होता है बताना है कि किस ग्रह पर सबसे बड़ा साल होता है इसका सही तरह तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेपच्यून पर कहां पर होता है सबसे बड़ा साल नेपच्यून पर शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है बताए कमेंट बॉक्स में इसका राइट right आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसका प्रयोग किया जाता है फिंगर प्रिंटिंग न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहा मिलता है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहा मिलता है राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर माइट्रोकॉन्ड्रिया भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है किस राज्य में पाई जाती है लाल मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है लाल मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है कौन सी संस्था करती है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड का काम है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार इनमें से किसको होता है कौन हटा सकता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर संसद किसके पास होता है अधिकार संसद के पास 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है इसका सही तरह दोस्तों ऑप्शन तो नंबर बीस राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है 2011 की जनगणना अनुसार निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है तो सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती कहां पर होती है सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक क्षेत्र में होती है म्यांमार की बाल्डवीन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है तो किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है बताएंगे इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए चांदी के उत्खनन के लिए किसके लिए चांदी के उत्खनन के लिए ली मंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है किली मंजारो पर्वत लॉर्ड मेकॉले संबंधित है बताएंगे दोस्तों लॉर्ड मेकॉले इनमें से किस से संबंधित है इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से संबंध है का का अंग्रेजी शिक्षा से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मतलब सीएसओ की स्थापना कब हुई थी तो कब की गई थी सीएसओ की स्थापना इसका सही तरह जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उन्नीस सौ ईस्वी में की गई थी सीएसओ की स्थापना 1951 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर निम्नतम है इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हिमाचल प्रदेश का नगरीकरण स्तर सबसे निम्नतम है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है किस राज्य में सबसे अधिक सोयाबीन होती है इसका सही उत्तर दोस्तों मध्य प्रदेश भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन किया जाता है तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है रेलवे का जो हम पांच हजार क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है अब आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपको पचास में से इस वीडियो में कितने मार्क्स आए साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं कि आप रेलवे की किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर एनटीपीसी कर रहे हैं तो एन टीपीसी लिखिए ग्रुप डी की कर रहे हैं तो ग्रुप डी लिखें या फिर ए एल पी आर पी एफ या फिर आप जूनियर इंजीनियर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो इस तरह के बनाएँ जिसमें इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सअप पर जरूर शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करें वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम